चंपक नगर गाँव में रामू अपने परिवार के साथ रहता था। रामू, उसकी पत्नी रिया और बेटा जय एक छोटे से घर में रहते थे। रामू और उसकी पत्नी खेती का काम करते थे और उसका बेटा जय स्कूल में पढ़ता था। वो पढ़ाई में बहुत ही अच्छा था। मम्मी, पापा, परीक्षा का रिजल्ट आ गया है। मैं इस बार भी फर्स्ट आया हूँ। मेरा राजा बेटा, ऐसे ही जी जान लगाकर पढ़ाई करना, तुझे बड़ा अफसर बनना है। हाँ मम्मी, मैं बड़ा अफसर बनूंगा, तब आप लोगों को कोई काम नहीं करने दूंगा। हाँ बेटा, ठीक है, अभी तुम बस पढ़ाई करो और कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। जय स्कूल में हर वक्त फर्स्ट आता था, इसीलिए स्कूल की सारी टीचर उसे बहुत प्यार करती थे। जय का बेस्ट फ्रेंड था अरिंदम, जो पढ़ाई में इतना खास नहीं था। इस वजह से अरिंदम के पिता हर रोज जय को उनके साथ अपने घर ले जाते थे, ताकि जय के साथ उनका बेटा भी पढ़ाई करे। जय हमारे घर आता है तो मेरा बेटा थोड़ा पढ़ाई करता है। अरे कोई बात नहीं, वो भी तो मेरा बेटा ही है। अरे ये तो आपका बड़प्पन है जी। रामू समझ नहीं पाया कि अमल बहुत ही चालाक और स्वार्थी है। जैसे जैसे समय बीतता गया, जय के साथ रहते रहते अरिंदम भी पढ़ाई में अच्छा होता गया। अरिंदम के पिता बहुत पैसे वाले थे, तो पढ़ाई में अरिंदम को कोई भी समस्या नहीं होता था। जॉइंट एग्जाम के लिए अरिंदम आकाश इंस्टीट्यूट में भर्ती हुआ था। वही जय के पास पैसा ना होने के कारण वो भर्ती नहीं हो पाया। जय, आज मैं आकाश इंस्टीट्यूट में भर्ती हुआ हूँ। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, अब तो तेरा रिजल्ट बहुत अच्छा होगा। तू अपने पापा से बात क्यों नहीं करता कि तुझे भी वहीं एडमिशन करवा दे? नहीं रे, पापा के पास इतने पैसे नहीं है, फिर भी मैं बात करूंगा। जय अपने घर जाके अपने पापा के साथ इस बारे में बात करता है। पापा, वो अरिंदम आकाश इंस्टीट्यूट में भर्ती हुआ है, मैं भी भर्ती होना चाहता हूँ। पर बेटा, मेरे पास तो इतने पैसे नहीं है, तुझे तो पता है बेटा, मुझे माफ कर दे। कोई बात नहीं पापा, मैं खुद अच्छे से पढ़ाई करूंगा, ज्यादा मेहनत करूंगा। मेरा समझदार बेटा, देखना एक दिन तेरी जरूर जीत होगी। दिन गुजरता रहता है। जय अपने दोस्त अरिंदम से पढ़ाई के बारे में हेल्प मांगता है। दोस्त, तू मुझे तेरा नोट्स देगा पढ़ने के लिए तो बहुत हेल्प होगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, जरूर। अरे बेटा अरिंदम, जरा इधर आना, मेरे पास आना। हाँ पापा, बोलिए। किसी को भी कोई नोट्स देने की कोई जरूरत नहीं, बहुत पैसा खर्चा करके तुम्हें पढ़ा रहा हूँ मैं, ऐसे नोट्स बांटते फिरोगे तो कैसे चलेगा? पापा, मैं तो बस जय को ही दूंगा, उसने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। तो फोकट में नहीं किया है, खाया पिया पैसा खर्चा हुआ है मेरा। दरवाजे के बाहर जय खड़ा होके ये सब सुन रहा था। वो समझ गया था कि उसकी जरूरत अब खत्म हो गया है। वो दुखी होकर वहां से चला जाता है। बहुत मेहनत करने के बावजूद जय का रिजल्ट जॉइंट एग्जाम में अच्छा नहीं आता और अरिंदम पढ़ाई करने के लिए विदेश चला जाता है। पढ़ाई के बाद जय को एक छोटी मोटी नौकरी मिल जाती है। उसकी शादी नेहा नाम की एक खूबसूरत लड़की से हो जाती है। एक दिन जय के घर में अरिंदम आता है। जय, घर में है क्या? नहीं, वो बाहर गए हैं। आप कौन? मैं जय का दोस्त अरिंदम, बाहर गया था पढ़ने के लिए, दो दिन पहले ही लौटा हूँ तो उससे मिलने आया। अरे आइए आइए, आपके बारे में बहुत कुछ सुना है, आप बैठिए, वो अभी आ जाएंगे, मैं चाय लाती हूँ।
नेहा किचन में चाय बनाने के लिए चली जाती है। वो इतनी खूबसूरत थी कि अरिंदम उसे देखता ही रह गया। कुछ देर में जय भी आ गया। अरे दोस्त, कैसा है? बहुत अच्छा हूँ, तू कैसा है? मैं भी अच्छा हूँ। अरे अच्छा तो होगा ही, इतनी खूबसूरत बीवी जो मिली है। क्या आप भी? आज आप हमारे साथ खाना खा के जाएंगे। ऐसे ही सब बातें करने लगे, पर हर वक्त अरिंदम नेहा को ही घूरता रहा। उसके मन में नेहा को पाने का लालच आ गया। एक दिन नेहा को रास्ते में अकेले देखकर अरिंदम उससे बातें करने लगा। अरे नेहा भाभी, आप अकेले कहाँ जा रही हैं? बस बाजार जा रही हूँ। कहे तो मैं आपको छोड़ दूँ? नहीं नहीं, आप तकलीफ ना करें, मैं चली जाऊंगी। आपके कोमल पैर खराब हो जाएंगे। ये आप क्या बोल रहे हैं? ऐसी बातें मुझे पसंद नहीं है। पर मुझे तो बहुत पसंद है। जय को छोड़िए, मेरे साथ चलिए, बहुत अच्छा रखूंगा मैं आपको। जय आपको कितना अच्छा समझता है और आप? छी! ये बोलकर नेहा जैसे ही आगे बढ़ती है, अरिंदम उसे पीछे से पकड़ लेता है। ऐसे ही हाथापाई में नेहा गिर जाती है और उसके सर में चोट लगती है। वो बेहोश हो जाती है और अरिंदम वहाँ से भागकर चला जाता है। कुछ लोग नेहा को पट्टी लगाकर घर पहुँचा देते हैं। मैं पुलिस कंप्लेन करूँगा, उसकी ये हिम्मत। छोड़िए, वो बहुत बड़े आदमी है, उनके साथ हम जीत नहीं पाएंगे। भगवान उसे जरूर सजा देंगे। पर उसे ऐसे ही छोड़ देंगे? मुझे भगवान पर विश्वास है, उसे सजा जरूर मिलेगा। और कुछ दिनों के बाद एक कार एक्सीडेंट में अरिंदम के दोनों पैर कट जाते हैं और वो अपाहिज हो जाते हैं। अपने किए की सजा सभी को मिलता है, इसीलिए बुरा काम कभी भी नहीं करना चाहिए।